तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एंगल का, चैनल का या फिर बीम का वेट कैसे निकालना है। आज मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो को आप जो है बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, इसके पहले जो है मैंने आपको बताया था कि प्लेट का वेट कैसे निकालना है, उसको भी मैंने जो है आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया था, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं तो आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, मैंने आपको जो है पाइप का ऊपर भी वीडियो दिया है कि पाइप का वेट कैसे निकाला जाता है बिल्कुल इजी तरीका में। अगर आपने वीडियो देखा नहीं तो आप वीडियो देखने के लिए सिंपली यहाँ पर यूट्यूब पर जा सकते हो और यहाँ पर सर्च बार में आप बोल सकते हो पाइप का वेट कैसे निकालें, फिटर की पूरी जानकारी। तो ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट नंबर पर वीडियो आ गया, इस पर क्लिक करना है और वीडियो को यहाँ पे प्ले कर देना है, ओके। और देखिए, यहाँ पे अगर आपको और भी वीडियोस देखना है तो यहाँ पे आप सिंपली लोगो पे क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे लिखा है फिटर की पूरी जानकारी, उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप वीडियो वाले सेक्शन पे जा सकते हैं, और यहाँ पे सारा वीडियोस पड़ा है, ठीक है। इस तरीके से आप चाहे तो प्ले लिस्ट पे जा सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग प्ले लिस्ट का जो है वीडियो पड़ा हुआ है। देखिए, फ्लैंज वीडियो ओनली फॉर ड्राॅइंग फिटर, कॉर्ड लेंथ टी, इसमें सिर्फ टी ब्रांच का आपको वीडियो मिलेगा, इसमें सिर्फ रेड्यूसर का, इसमें सिर्फ माइटर बैंड का, है ना। इसी तरीके जो भी आपको वीडियो चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हो आके, ठीक है। तो चलिए फाइनली आज हम बात करते हैं कि एंगल चैनल का वेट कैसे निकालना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाला एप्लीकेशन ओपन करना है, फिटर की पूरी जानकारी, ठीक है। आपने अगर इसको डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके। तो यहाँ पे ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सिंपली एक बार स्लाइड कीजिएगा तो यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक यहाँ पे आपको मिल जाएगा बीम यूनिट वेट, ठीक है, ये बीम निकालने का है। उसके बाद यहाँ पे एक चैनल यूनिट वेट, ये चैनल निकालने का है, और एक यहाँ पे एंगल यूनिट वेट, ये एंगल निकालने के लिए, ओके। चलिए यहाँ पे मैं एक दिखा देता हूँ कोई भी आपको। तो यहाँ पे जैसे बीम का मुझे निकालना है वेट, ओके। तो यहाँ पे सिंपली मैं बीम यूनिट वेट पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीम का जो है वो चार्ट आ चुका है। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि हमें कितना का बीम है उसका हमें वेट निकालना है। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे 400 ISMB 400 लिखा है, मान लीजिए हमें उसका वेट निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए ISMB 400 का एक बीम है। अब आपको कि ISMB क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसका ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाके और ड्राइंग फिटर का जो एक प्लेलिस्ट है उसको आप जो है देखिए, उसमें आपको ड्राइंग फिटर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको उसमें जो है देखने के लिए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए 400 का हमें वेट निकालना है, तो लेंथ मान लीजिए यहाँ पर हमारा 10 मीटर है, ठीक है। एक 400 का बीम है जिसका 10 मीटर जो है लेंथ है। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर 1 मीटर का ये लेंथ दिया हुआ है, कितना, अगर 400 का बीम रहेगा तो उसका 1 मीटर का लेंथ हो जाएगा 61.5 kg। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर पे जाना है, और यहाँ पे 61.5 kg, ये हो गया हमारा 1 मीटर का वज़न, ठीक है। तो अगर हमें 10 मीटर का निकालना है तो इंटू 10 कर देना है सिंपली, तो कितना हो गया, 615 किलो हो गया 10 मीटर का, ठीक है। अब एक दिन मैंने देखा था कमेंट में कि पूछ रहा था कि अगर आधा मीटर होगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 61.5 हो गया 1 मीटर का, सिंपली आपको इसको डिवाइड कर देना है, तो ये कितना हो गया, 30.75 हो गया, मतलब कि आधा मीटर का वेट इतना होगा, है ना। इसी तरीके जितना भी आपको मतलब करना है तो उसी तरीके से आप जो है यहाँ पे इसको डिवाइड करके वेट निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हमें इसका चैनल का निकालना है तो चैनल में भी यहाँ पे सेम प्रोसेस रहने वाला है। मान लीजिए अगर 300 चैनल का अगर हमें वेट निकालना है तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 41.50 kg, ठीक है। इसी तरीके से ये 1 मीटर का वेट है, आपको जितना का भी निकालना है उतना आप यहाँ पे डाल के उसका वेट निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे एंगल का निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका जो चार्ट है वो यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वेट निकालना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।